हाय गाइस, वेलकम टू कृतिकास मॉम किचन। आज मैं आपके साथ इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज चाय के साथ मैं गर्मा गर्म साबूदाने का वड़ा बनाऊंगी। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, साबूदाने का वड़ा। तो साबूदाने का वड़ा बनाने के लिए मैंने ये साबूदाना लिया है, बड़े वाला, बड़ा साइज का था ये। इसे मैंने 4 घंटे के लिए बिल्कुल ही अच्छे तरीके से भिगो के रख दिया है। तो अब जाके देख सकते हो कि ये बहुत ही अच्छा से मैश हो रहा है। तो वड़ा में डालने के लिए मैंने अदरक लिया है, यहाँ पे हरी मिर्च, धनिया पत्ता, ये मूंगफली का पाउडर है, ये हल्का सा मूंगफली को मैंने रोस्ट कर लिया था। तो फिर उसके बाद इसे हल्का सा दरदरा सा पीस लिया है। ये मैंने आलू लिया है और कुछ मसाले यूज करूंगी, वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी आपको। और इधर वड़ा को तलने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गर्म रखने के लिए, तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं साबूदाने का वड़ा बनाना, जो चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। और मैं वड़ा के साथ गर्मा गर्म चाय भी बनाऊंगी खाने के लिए। तो वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आलू को मैश करना है अच्छे से। साबूदाने का वड़ा ना अदरक की चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और अभी बारिश का भी सीजन है गाइस, मौसम बहुत अच्छा है। तो गर्मा गर्म वड़ा बनाइए साबूदाने का और उसे चाय के साथ एंजॉय कीजिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से आलू को मैं बहुत ही अच्छे से मैश कर लूंगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मैश कर दिया है। तो अब मैं ये साबूदाना ऐड कर रही हूँ इसमें, जो भिगो के रखा था मैंने। और साथ में ये मूंगफली का पाउडर जो बना के रखा था, इसे भी। अब मैं इसमें ये अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, धनिया पत्ता से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करती हूँ। तो सबसे पहले नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा पाउडर, बस और कुछ नहीं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अपने हाथों से ही। तो मैंने आलू का जो मिक्सचर, साबूदाने आलू का बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इसे अब छोटे छोटे बॉल्स में आप जिस शेप का बनाना चाहते हो उस शेप का इसे बना लीजिए। तो मैं केवल राउंड शेप दे रही हूँ, बस सिंपल सा। इसी तरीके से मैं यहाँ बना के रख लेती हूँ और जब तक सारे मेरे तैयार हो जाएंगे वड़ा, तो बस तलना रहेगा। साबूदाने का वड़ा बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है इस खाने में। तो छोटे छोटे इसी तरीके से मैं सारा बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको बनाकर। वड़ा को तलने के लिए तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लीजिए। और ये मैंने सारा बना के तैयार कर लिया है गाइस। तो चलिए, तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसे तल लेते हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस को सिम कर दीजिएगा, ताकि हमारा वड़ा अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरा बने। अब
ऐसे दोनों साइड से पलट पलट के अच्छे से गोल्डन कलर दे देंगे, ताकि चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है कुरकुरा सा वड़ा। तो वड़ा को चलिए पलट देते हैं। और जब भी साबुदाने का वड़ा बनाए ना, तो तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म करें तभी डालें। एक करके मैं इसे पलट देती हूँ अच्छे से, और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा भी कहीं बिखरा नहीं है वड़ा मेरा। तेल बहुत ही अच्छे से गर्म था। तो एक एक करके इसे मैं पलट लेती हूँ सारा। और इधर मैंने और भी बना के रखा है, वड़ा बहुत ही अच्छे से तल चुका है और मुझे ऐसा ही चाहिए, इसी कलर का चाहिए। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बना है। और इसके साथ मैंने हरी चटनी बनाई है खाने के लिए, जो बहुत ही अच्छी लगती है। तो और है बचा हुआ, इसे भी मैं तल लेती हूँ। इसी तरीके से इसे भी मैं तल कर निकाल लेती हूँ। तो लीजिए, गर्मा गर्म साबुदाने का वड़ा बनके तैयार हो चुका है गाइस। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, और आप देख सकते हो कहीं से भी मेरा साबुदाना नहीं टूटा, एकदम परफेक्ट बना है, कहीं से भी नहीं। तो बिल्कुल इसी ट्रिक से आप भी बनाइए, बहुत ही अच्छे बनेंगे साबुदाना आपके। बाहर से कुरकुरे, अंदर से सॉफ्ट। साबुदाना के साथ खाने के लिए मैंने थोड़ी सी ग्रीन चटनी बनाई है, जो इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो कैसी लगी आपको मेरी यह रेसिपी, मुझे कॉमेंट पर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।